तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एप्पल और गूगल जो है वो एक दूसरे की बहुत ही बड़ी कॉम्पिटिटर है, मतलब कि एप्पल आईफोन के अंदर डोमिनेट करती है और iOS उनका मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और आईफोन जो है ना वो ग्लोबली उनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। वहीं गूगल देखा जाए तो उसके ऑफिशियली जो पिक्सल फोन की सेल्स है वो इतनी नहीं होती, लेकिन एंड्रॉयड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और दुनिया में जो आपको मेजोरिटी स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं ना वो भी एंड्रॉयड के ऊपर ही रन कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो एप्पल और गूगल जब एक ही मैदान में है तो इनके बीच तो कंपटीशन तो होना जरूरी है और कंपटीशन कुछ काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हो रहा है। जैसे कि जो गूगल है वो अपने पिक्सल के एड में आईफोन 10 को टीज करता है और ये बताता है फोन एक्स है, जबकि सबको पता है वो आईफोन से कम्पीट करना चाहता है। वहीं एप्पल डायरेक्टली कम्पीट नहीं करता है लेकिन तब भी अपने फोन को ज्यादा से ज्यादा बेटर दिखाता है और ये कहता है कि कॉम्पिटिशन के जितने भी एंड्रॉयड फोन है ना उनसे ज्यादा बेटर है। तो देखते हैं कि आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई थी। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देना चाहूंगा कि पहले जो दोनों कंपनीज के बीच में जो रिलेशनशिप था ना वो काफी ज्यादा अच्छा था। मतलब कि जब 2001 की बात करें, जब सर्जी ब्रिन और लैरी पेज जो कि को-फाउंडर्स थे गूगल के, वो उन्होंने अप्रोच किया था स्टीव जॉब्स को जो कि उस समय नए-नए एप्पल में आते और एप्पल के सीईओ थे। तो उन्होंने स्टीव जॉब्स को अप्रोच किया था और ये बोला था कि आप गूगल के सीईओ बन जाएं। लेकिन उस समय जो स्टीव जॉब्स थे वो काफी बिजी थे एप्पल के साथ, इसलिए उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और बाद में जो एरिक स्मिथ थे वो सीईओ बने गूगल के और उन्होंने गूगल को काफी ज्यादा आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि देखा जाए तो दोस्ती इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ तक कि जो पहला आईफोन आपने देखा था उसके अंदर आपको ऑफिशियल यूट्यूब ऐप और जो गूगल मैप्स की ऐप होती है ना वो आपको प्री इंस्टॉल्ड आईफोन में देखने को मिलती थी और उन ऐप्स के लिए एप्पल और गूगल ने साथ में काम किया था। मतलब कि आईफोन लॉन्च से पहले ही गूगल को पता चल गया था कि एग्जैक्टली आईफोन में क्या होने वाला है, उन्हें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी सॉफ्टवेयर के बारे में। और उस समय जब आईफोन लॉन्च हुआ था तो उस समय स्टीव जॉब्स के साथ स्टेज पे एरिक स्मिथ जो सीईओ थे गूगल के वो भी आए थे इंट्रोडक्शन देने और डेमो देने। लेकिन उसके बाद की कहानी काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है। मतलब कि जब गूगल को पता चल गया था कि एप्पल आईफोन बना रही है और आईफोन के लिए काफ़ी एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है, तो उन्होंने सीक्रेटली 2005 में एंड्रॉयड नाम की कंपनी को एक्वायर कर लिया था और वो इंटरनली एंड्रॉयड ओएस को डेवलप कर रहे थे। और जो एंड्रॉयड ओएस का जो पहले फ़ोन का जो प्रोटोटाइप था वो हमें आईफोन आने के एक साल बाद मिला 2008 के अंदर। और उसके बाद दोनों के बीच में राइवलरी से चालू हो गई। मतलब कि जो एंड्रॉयड था वो एक ओपन सोर्स था और दूसरी कंपनीज उसे यूज़ कर सकती थी, जबकि आईफोन जो था वो आईफोन ओएस में चलता था और उसे एप्पल अपने फ़ोन के अंदर बना के ही बेच सकती थी और कोई सी और कंपनी को वो देती भी नहीं थी, इसलिए मार्केट में काफ़ी अच्छी लीड एप्पल ने ले ली थी। लेकिन जब एंड्रॉयड फ़ोन्स आए थे तो वो देखने में काफ़ी सिमिलर लगते थे आईफोन्स, और दोनों का जो ओएस और जो लेआउट होता था ना काफ़ी ज़्यादा सेम लगता था। लेकिन तब भी जो एंड्रॉयड फ़ोन्स थे ना इनिशियली इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे और उनमें काफ़ी सारे फीचर्स भी मिसिंग थे जो आपको आईफोन में देखने को मिलते थे, जैसे काफ़ी लंबे समय तक आपको मल्टीटच देखने को नहीं मिला। लेकिन असली लड़ाई तो तब शुरू हुई थी जब गूगल ने अपना नेक्सस प्रोग्राम के अंदर अपने पहले नेक्सस फोन को लाई और उसके अंदर आपको मल्टीटच का ऑप्शन देखने को मिला और उसके बाद से जो सिमिलैरिटीज थी ना दोनों ओएस में वो काफ़ी ज़्यादा सेम होने लगी। लेकिन एप्पल भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी देखा कि एंड्रॉयड किस चीज़ में अच्छा कर रहा है तो वो सारी के सारे फीचर फ्यूचर में उन्होंने अपने फ़ोन के अंदर डाल दिए और अपने ओएस पे भी काफ़ी सारे वो फीचर्स प्रोवाइड करे जो पहले एंड्रॉयड में थे आईओएस में नहीं थे। और आने वाले टाइम में भी जो गूगल है उसने भी आईफोन से काफ़ी सारे फीचर्स लिए, जैसे कि बाद में चल के जब एप्पल ने अपना आईपैड लॉन्च किया तो उसके कुछ टाइम के बाद ही आपको गूगल की तरफ से भी एक एंड्रॉयड 3.0 हनीकॉम देखने को मिला जो कि एक एंड्रॉयड टैबलेट्स की डिज़ाइन किया गया ओएस था, तो एक सेपरेट ओएस गूगल ने निकाला और एंड्रॉयड टैबलेट्स भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे उस समय के आईपैड से। यहां तक कि जब आगे चल के आईफोन 4S के साथ एप्पल ने अपने सीरी को लॉन्च किया तो वो एक AI वॉइस असिस्टेंट था, ठीक वैसे ही कुछ गूगल ने अपने गूगल नाउ के साथ किया और बाद में आगे चल के जो हमें गूगल असिस्टेंट देखने को मिला तो उस चीज का भी काफी सारा क्रेडिट एप्पल को जाता, अगर एप्पल का सीरी नहीं आता तो शायद से हमें जो गूगल असिस्टेंट है ना वो देखने को नहीं मिलता। तो देखा जाए तो इसी तरीके से दोनों के बीच में राइवलरी चल रही थी। और एप्पल ने तो एक और चीज की थी कि जब सफारी को उन्होंने अपने आईफोन के अंदर डाला तो उन्होंने काफी सारे सर्च इंजन के ऑप्शन दिए थे और गूगल सफारी का डिफॉल्ट सर्च इंजन रहे, इसके लिए गूगल हर साल $9 बिलियन पे करती है एप्पल को। तो देखा जाए तो अभी के समय में गूगल और एप्पल के बीच कुछ ऐसा रिश्ता है, कहीं एप्पल गूगल को टीज करती है तो कहीं गूगल एप्पल को टीज करती है, कहीं एप्पल गूगल के फीचर्स को ले लेती है तो कहीं जो गूगल है वो एप्पल के फीचर्स को ले लेती है। लेकिन जो मामला है ना वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया, क्योंकि अभी के समय में देखा जाए तो एंड्रॉयड अपनी जगह अच्छा है और आईफोन का अपना एक अलग यूज़र बेस है। आईफोन जो लोग लेते हैं वो आईफोन पर ही अपग्रेड कर रहे हैं और आईफोन का काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है और iOS उस मार्केट शेयर में काफ़ी अच्छे से डोमिनेट करता है। वहीं जो इमर्जिंग मार्केट है इंडिया जैसे, वहाँ पर जो एंड्रॉयड है उसकी डोमिनेंस काफ़ी अच्छी है और वहाँ पर जो एंड्रॉयड है वो काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर
हो रहा है और वहाँ पे iOS का यूज़र बेस कम है। लेकिन देखा जाए तो अभी तक जो Android और iOS है दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हुए आए हैं और आने वाले टाइम में भी एग्जिस्ट करेंगे। पर देखा जाए तो जो मोबाइल OS की जो वॉर है ना वो एक तरह से शांत सी हो गई है। ये कुछ वैसा ही है जैसा कुछ साल पहले जब माइक्रोसॉफ्ट और जो एप्पल थे उनके बीच में भी कुछ ऐसी वॉर हुई थी और वो वॉर थी OS वाली, यानी कि मैक OS और विंडोज OS। अब ये वॉर कन्वर्ट हो गई थी iOS वर्सेस Android के अंदर और आने वाले समय में ये वॉर कन्वर्ट होगी सर्विसेज के अंदर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गूगल की काफ़ी सारी सर्विसेज है और एप्पल भी सर्विसेज के बिजनेस में आ रहा है ताकि उससे और ज़्यादा पैसा बना सके। वहीं गूगल भी काफ़ी सारी चीज़ें और ऐसी सर्विसेज लॉन्च कर रहा है जो आपको आईफोन्स के अंदर भी देखने को मिलेंगी ताकि वो आईफोन यूजर्स का भी डेटा ले सके। तो देखा जाए तो जो गूगल है वो डेटा के ऊपर खेलना चाहता है, वहीं एप्पल भी सर्विसेज का यूज़ करके सर्विस वाले बिजनेस में आना चाहता है, जैसे कि आपको एप्पल टीवी प्लस जो अलग अलग स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो एप्पल की तरफ से देखने को मिलेंगी, तो वो सारी उसके सर्विसेज का बिजनेस हो गया। लेकिन मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक साथ ज्वाइन कर जाए एप्पल, मतलब कि एप्पल को पता है कि गूगल के पास एंड्रॉयड के रूप में काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है और काफ़ी अच्छा यूज़र बेस है, तो वहीं गूगल को पता है कि iOS का काफ़ी ज़्यादा मार्केट है और अगर वो एप्पल का साथ दे के उस प्लेटफॉर्म के लिए सर्विसेज निकालते और एप्पल के साथ काम करते हैं तो जो आईफोन का बड़ा यूज़र बेस है ना उस तक एप्पल पहुँच जाएगा। तो ऐसी कुछ अभी स्ट्रेटेजी है एप्पल और गूगल की। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो एप्पल और जो गूगल है वो हमें फ्यूचर में किसी सिंगल प्रोजेक्ट पे काम करते हुए देखने को मिले, तो अगर ऐसा होता है तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात होगी। तो देखते हैं कि फ्यूचर में आपको एप्पल और गूगल की तरफ से क्या नई नई चीज़ें देखने को मिलती है और क्या कभी दोनों कंपनीज मिलकर कुछ नया कर पाती है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोगों को क्या पसंद है, एप्पल पसंद है या गूगल पसंद है, तो ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।